मुरादाबाद की कोतवाली कटघर पुलिस ने 3 सितंबर को मारपीट कर ई रिक्शा लूटने का मामले का खुलासा करते हुए दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटा गया ई रिक्शा भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद के मुताबिक दोनों भाइयों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनके ऊपर बाजार की देनदारी बढ़ गई थी और वो उसे चुकाने में नाकाम थे। आए दिन तकादे करने वालों से परेशान होकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने 3 सितंबर को ई रिक्शा मछरिया गांव तक चलने के लिए 400 रुपये में बुक किया। इसके बाद जब वो सुनसान इलाके में पहुंचे तो उन्होंने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की और उसे धक्का देकर उसका ई रिक्शा लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ई रिक्शा चालक ने पुलिस को लूट की सूचना दी। वहीं पुलिस लूट का मामला दर्ज करके दोनों की तलाश कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार करके लूटा गया ई रिक्शा भी बरामद कर लिया है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। तीन सितंबर को थाना कटघर क्षेत्र में शाम के वक्त एक ई रिक्शा लूट की घटना हुई थी। इसमें आज थाना कटघर ने सराहनीय कार्य करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही थाना कटघर के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि शाम को उन्होंने ये 400 रुपये में ये ई रिक्शा हायर किया था, जो मछरिया गांव जाने के लिए इन्होंने किया था। रास्ते में सुनसान इलाके पर इन्होंने ई रिक्शा को रोक कर इसके ड्राइवर के साथ मारपीट करी तथा ई रिक्शा लूट के फरार हो गए। इसमें आज इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ये आपस में चचेरे तहेरे भाई हैं और इनके पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक अन्य कोई अपराध फायर नहीं गया है। इन्होंने जो पूछताछ में बताया है कि इनके ऊपर उधार ज़्यादा था, जिसके चलते उन्होंने ये घटना कारित करी।